हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं सारे फूडीज? शाम के टाइम में कुछ भूख लग रही थी तो मैंने फ्रिज चेक करी, फ्रिज में देखा घर का बना हुआ पनीर पड़ा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये रेसिपी बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं। तो अब तक तो आप रेसिपी समझ गए होंगे, रेसिपी का नाम है पनीर भुर्जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे अपना ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। जीरा ऐड करेंगे, जैसे जीरा चटक जाएगा इसमें हम दालचीनी के टुकड़े ऐड कर रहे हैं और दो चार लौंग। ये दोनों बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे हमारी पनीर भुर्जी में। और ये मिर्ची एक इस तरह से कट करके ऐड करी है, साथ ही दो मीडियम साइज के प्याज डाइस करके कट कर लिया है। अदरक आधे इंच का टुकड़ा है उसे घिस लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका क्या तो अरोमा आ रहा है दालचीनी का, कि भूख बढ़ती ही जा रही है। दो मीडियम साइज के शिमला मिर्च हैं, इन्हें भी छोटा छोटा कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर कर लेंगे, एक मिनट के लिए सिम पे रखेंगे। ज़्यादा हमने शिमला मिर्च नहीं पकानी है, थोड़ा कच्ची ही रखनी है, क्योंकि अभी टमाटर भी ऐड करना है, पनीर भी ऐड करना है, फिर वो सौगी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लाल मिर्च, हल्दी। किचन किंग अवेलेबल है तो ऐड करिए, और धनिया। बड़े बेसिक मसाले हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने दालचीनी और लौंग ऐड की है, इसका फ्लेवर अपने आप में ही बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक मिनट के लिए कवर करके रखेंगे सिम पे। मसाले हमारे भुन जाने के बाद हम इसमें अब अपने टमाटर ऐड करेंगे। तीन टमाटर हैं मीडियम साइज के, इन्हें भी छोटा छोटा कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैं सादा नमक ऐड करती हूँ तो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा आता है। आप जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इसमें ऐड करिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सिम पे एक मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि टमाटर पक जाए हमारे। एक मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। हल्के हाथ से मैश करेंगे टमाटरों को। एक मिनट के लिए और ढक के रखेंगे सिम पे। ऑलमोस्ट बन गई है हमारी पनीर भुर्जी। हल्के हाथ से मैश करेंगे। देखिए मैश करने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब जो पनीर मेरे पास पड़ा हुआ है घर का बना हुआ, वो ऐड करेंगे। तकरीबन 150 ग्राम पनीर है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक इसमें चीज़ ऐड करेंगे हम, तीन चार चम्मच दूध। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, दूध ऐड करने से क्या होगा, पनीर सॉफ्ट रहेगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना हमने। अब हम अपना बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये लीजिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। तो मेरे दो तीन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पनीर भुर्जी को हम शाम के टाइम खा सकते हैं ब्रेड के साथ, पाव के साथ, या फिर हम अपने मील में ले सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट, चाहे लंच, चाहे डिनर, और टिफ़िन में भी हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो दो ब्रेड सेक ली थी इसके साथ और इसे इंजॉय किया। आप भी बनाइए और इंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू दीजिए और ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो शेयर करिए। मेरे चैनल कुक विद हनी को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।